इस वक्त मैं आपके क्षेत्र में मौजूद हूँ, तो चाहूंगी कि जरा इस एसी की हवा से बाहर निकलकर सड़क पे चले। विधायक जी, चाहती हूँ कि जरा आप रिक्शे में बैठे और रिक्शे में बैठ के जरा अपने क्षेत्र का दौरा कराए। आप बताइए विधायक जी, आपको ऐसे कभी दिखते हैं या बस चुनावी माहौल है तो आ गए? नहीं, ये तो आते रहते हैं। ये महिला हैं आप, यहाँ पे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? जी। डर नहीं है? विधायक जी, इतना खूबसूरत पार्क बना है लेकिन यहाँ पे आपने इतनी गंदगी करा रखी है, क्या है ये? गंदगी नहीं है ये। कॉन्फिडेंट है आपके अंदर? पक्का है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में हर पार्टी काफी ज्यादा एक्शन मोड में है। कैपिटल टीवी की टीम भी पहुंच चुकी है ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए और इस वक्त मैं मौजूद हूं हापुड़ में। हापुड़ से बीजेपी के MLA विजयपाल आरती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको धन्यवाद, कैपिटल चैनल को भी। सर बिल्कुल, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अभी तो हालांकि रैलियों पर रोक लगा दी गई है, पर इस वक्त मैं आपके क्षेत्र में मौजूद हूं, तो चाहूंगी कि जरा इस एसी की हवा से बाहर निकलकर सड़क पे चले और देखें कि बाहर की स्थिति क्या है, क्या आपने काम किया है? लगातार हमने तो 5 साल काम करा है और हम कभी एसी में बैठे ही नहीं। चलिए, तो चाहूंगी कि आप जरा चलिए, आपके घर के आसपास के क्षेत्र का दौरा करेंगे और जानेंगे कि आपने क्या कुछ विकास कार्य किया है। विकास कार्य की आप बात करें, 5 साल में योगी जी की सरकार में सबसे ज्यादा विकास के कार्य के काम हुए हैं। चलिए, विकास कार्यों का ही जायजा लेने के लिए मैं जरा दरअसल सड़क पे उतरी हूँ, तो मैं आपको बता दूँ पीछे आरती जी का ये मकान है और मकान के जस्ट बगल में इन्होंने अपना दफ्तर बनाया हुआ है। जरा अंदर चलते हैं, दफ्तर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये वो दफ्तर है जहाँ पे हर दिन सुबह 10 से 2 विजयपाल जी बैठते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो क्या आपका रूटीन रहता है, आप घर से निकल कर कितने बजे यहाँ पे पहुँचते हैं, कितने घंटे वक्त जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देते? मैं यहाँ सवेरे 9 बजे ऑफिस में बैठता हूँ और 9 बजे से 12 बजे से एक बीच में 1 बजे तक मैं रहता हूँ और लोगों की रोज़ की जन समस्या जो होती हैं उन्हें सुनते हैं और उनके काम भी होते हैं। चलिए, तो बहुत सारे लोग भी हैं, ज़रा उनसे भी जानना चाहूँगी, क्या रोज़ 9 से 2 बैठते हैं, जनता की समस्या को सुनते हैं? हाँ, विधायक जी तो 4 बजे उठ जाते हैं क्योंकि आड़त का काम है विधायक जी का, और फिर 9 बजे से पहले अपना वैसे काम कर लेते हैं, आड़त पे भी जाते हैं मंडी में, तो लोगों किसानों से भी बातचीत करते हैं, समस्याएँ सुनते भी हैं या हल भी करते हैं समस्याएँ? हर वर्ग की सुनते हैं, हर वर्ग के हर अच्छा काम करा, अच्छे ईमानदार मिले हैं शहर के, नहीं बड़े आदमी। चारा चाहूंगी सर कि आप जरा आइए, बाहर की भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं कि सड़क पे कितना काम हुआ है। रोज जिस तरह से आप यहाँ पे टाइम निकाल के आते हैं, वक्त देते हैं, तो कोविड पे आपने क्या क्या किया? कोविड में जितने भर भी और राजनीतिक पार्टियाँ हैं या जितना भी चुनाव लड़ने के इच्छुक में थे, समाजवादी बसपा वाले या कांग्रेस वाले, कोरोना काल में ये कभी भी नहीं दिखे। पूरे 2 साल AC में बैठ के इन्होंने अपना जीवन बिताया है। सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता, संघ परिवार के कार्यकर्ता और आपका विधायक, बीजेपी से विधायक विजयपाल आड़ती ने काम करा है। तो चाहूंगी कि जरा विधायक जी को रिक्शे पे बिठाया जाए, क्योंकि विधायक जी को तो आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हुए देखा होगा, पर विधायक जी चाहती हूँ कि जरा आप रिक्शे में बैठे और रिक्शे में बैठ के जरा अपने क्षेत्र का दौरा कराए और कैपिटल टीवी के दर्शकों को दिखाए कि जब विधायक रिक्शे पे बैठते हैं तो तस्वीरें कैसे होती हैं। तो हापुड़ से MLA विजयपाल जी हमारे साथ रिक्शे में बैठे हैं, रिक्शे से सफ़र करेंगे और जानेंगे कि इस क्षेत्र में कितना काम हुआ है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि इस क्षेत्र से आपका लगाव और जुड़ाव कितना है? क्षेत्र में लगाव और जुड़ाव की बातें आप कह रही हैं तो हमारे तो दादा परदादा लक्कड़ दादा भी हैं कि पैदा से, तो पुराना अपना छोटा सा शहर है, जिला 2011 में बना है, मगर बीच में समाजवादी की सरकार रही, बहन जी ने जिला तो बनाया है मगर विकास कार्य के काम ना जब हुए और ना ही समाजवादी सरकार में कोई भी विकास कार्य के काम हुए हैं।
जब से योगी जी की सरकार आई है तो मैं आपको दिखलाता हूँ कि कितने विकास कार्य के काम हुए। आपके बिल्कुल 100 मीटर की दूरी नहीं है, आपको मैं एक पार्क दिखलाता हूँ अभी। चलिए, चाहेंगे कि रिक्शा वाले भाई साहब जरा चलाइए रिक्शा, धीरे धीरे चलते रहिए और जरा देखेंगे कि इस क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है। ये पार्क है हमारा, एक सेकंड रोको, साइकिल रोकना भैया, हमने ये कब्जा था लोगों का, जरा इसका पार्क का खुलवाओ, जरा एक मिनट। चाबी आ गई, मैं चाहती हूँ कि आप भी उतरिए, जरा अंदर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। महात्मा ज्योतिराम फूले साहब की प्रतिमा लगवाई, आप देखो कि कितना बहुत खूबसूरत है। पहले कब्जा था यहाँ पे लोगों का, ये कब्जा मुक्त करवाया है और बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई है। प्रतिमा तो बहुत खूबसूरत लग रही है, तो कब्जा से मुक्त कराने में आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा? तो होती है, मगर परेशानी कुछ नहीं होगी, जब गलत कब्जा था तो क्या परेशानी, उनकी कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा रहा। योगी जी की सरकार ने इस पार्क का आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? बहुत लंबा चौड़ा पार्क दरअसल ये नजर आ रहा है, तो इसका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं? अभी तो फिलहाल में इसमें सौंदर्यकरण करवाया, चौबंदी करवाई है, बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई है, मगर छोटे मोटे कोई किसी के आस पड़ोस में अभी जैसे उसके बीच में हमने काम कर ये पार्क बना है, उसके बीच में छोटे मोटे किसी के प्रोग्राम कार्यक्रम भी होते तो वो भी लोग कर लेते हैं। आज ये जाटव समाज को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, कुछ दुख सुख में कोई उनके कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कार्यक्रम होने चालू हो गए। विधायक जी, इतना खूबसूरत पार्क बना है लेकिन यहाँ पे आपने इतनी गंदगी करा रखी है, क्या है ये? गंदगी नहीं है, ये जो डस्ट है, और डस्ट मंदिर बनना है, इसमें भी मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं और महामाई का मंदिर है। अच्छा, तो चाहूंगी कि जरा मंदिर भी आप लेके चलिए, दिखाइए कि मंदिर में क्या डस्ट है। ये काम चल रहा है और मंदिर का काम चल रहा है तो उसी के लिए रखा है। 40% 50% काम हो भी गया है और बाकी चल रहा है, देखो आप। तो किस चीज का मंदिर है ये? माई का प्राचीन मंदिर था हमारे यहाँ और उसका सौंदर्यकरण हो रहा है। जरा दिखाए कि मंदिर के सौंदर्यकरण का काम चल रहा है और कितने दिनों में ये मंदिर पूरी बन के तैयार हो जाएगी, कितना वक्त लगेगा? ये तो अब लगातार काम चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 4-1 महीने में तैयार हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल चाहूंगी कि माई का आशीर्वाद आपको मिले और आप 10 मार्च को जीत के आए, क्योंकि नतीजे भी हैं। तो 10 मार्च को लेकर क्या तैयारी है? रिक्शा में बैठते हैं और आगे भी आपके क्षेत्र का जरा दौरा करते हैं, देखते हैं कि सड़कों की क्या स्थिति है, क्योंकि कहते हैं कि विधायक का रास्ता जो है वो सड़कों से ही जाता है, तो सड़कों की स्थिति अच्छी होनी बहुत जरूरत होती है। तो आपने सड़कों पर कितना काम किया? सड़क तो आप देखो, आप जरा कैमरा लगा के सड़क को दिखलाइए हमारी को, ये चारों तरफ बहुत विकास कार्य के काम हो, सड़कों पर तो इतना काम हुआ है, कभी भी किसी विधायक ने और उन्हें करवाया ही नहीं काम। मेरी विधानसभा के अंदर 90 गांव है, 90 गांव के अंदर आप देखोगे तो 4-4, 5-5 काम, सब हर गांव के अंदर काम हुए हैं, कभी इतने काम नहीं हुए, कभी विधायक मिलते नहीं थे, एसी में रहते थे, राम राम। आज हम आपके आपने जनता से खैर हमसे पहले पूछा ही होगा, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। जनता जी तो कह रहे हैं कि विधायक जी रिक्शे में कैसे बैठ गए? जनता, अरे पहले भी हम रिक्शे में बैठते थे, हम कोई ऊपर के हवाई के ऊपर थोड़ा, ये हमारा आड़त का काम है, किसान 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 है हम, किसान है हम, जनता का प्यार नजर आ रहा है तो खूब रहे हैं समाज में। आपने सब्जियों के बारे में बताया, तो सब्जी मंडी से आपका क्या जुड़ाव रहा है? सब्जी मंडी में पूरा जुड़ाव, हम पैदा हुए उसमें, मैंने आपसे बताया ना कि खेती करी है हमने आड़त का व्यापार करा लंबे समय तक, आज मुझे आड़त के व्यापार को भी 34 साल हो गए, बहुत लंबे समय से व्यापार कर रहा हूँ मैं। तो अब तारीखों का ऐलान हो गया है, इलेक्शन फर्स्ट फेज में ही है आपके इधर, तो फर्स्ट फेज को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि अभी तो रैलियों पे रोक लगा दी गई है, आप रैली नहीं कर सकते, रोड सभाएं नहीं कर सकते, कोई यात्राएं नहीं कर सकते, बस एक डिजिटल का ही सहारा लेना पड़ेगा, तो ऐसे में बीजेपी कितनी स्ट्रांग है? ये मैंने आपसे कोरोना काल की बातें बतलाई, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कोई भी समाजवादी के, बसपा, कांग्रेस, एक भी, सब नेता दुबक गए, सभी नेता, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, संघ परिवार, सभी लोगों ने मेहनत करी और उसका नतीजा ये निकला कि अच्छा निकला उसका नतीजा। आपने देखा होगा कि जो अमेरिका जैसे देश के अंदर कोरोना काल में मॉल लूट लिए गए, मगर आपके हमारे देश के अंदर आपको ऐसा सुनने नहीं आया होगा, उसका सिर्फ एक कारण रहा,
मोदी जी और योगी जी ने दो फिर राशन देने का काम करा और भाजपा के हर कार्यकर्ता ने, सरकार ने तो कराई करा मगर भाजपा के हर कार्यकर्ता ने मेहनत करी और निजी अपने पैसे से भी काम करा। मैं आपको बात बतलाऊं कि सरकार ने तो खूब कराई करा है, मैंने हजारों कट्टे राशन के देने का काम करा। जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे प्रवासी लोग दिल्ली से आ रहे थे, मैंने उन्हें खाना देने का काम मैंने करा, जिसमें कि मैं दसियों हजार पैकेट, ऐसा नहीं है, ये लोग तो दिखाई भी नहीं दे रहे। हम 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, ये तो अब चुनाव आ गया तो अब चुनाव में देख रहे, तो इन्हें डर है, डर क्या है ही नहीं ये लोग जी। अगर आपकी सीट की बात करूं तो त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, हर पार्टी अपने दमखम के साथ सड़क पर उतर गई है, आपको किसी चीज़ का डर? हार जीत तो बहुत दूर की बात है, किसी भी प्रत्याशी को लेकर डर? आपको बतलाया, वो लोग अब 2 महीने से घर निकलने चालू हुए हैं और जिन्होंने 58 महीने काम करा हो, 58 वाला जीतेगा या 2 महीने वाला जीतेगा, आप बतलाइए। तो जीत का कॉन्फिडेंट है आपके अंदर? पक्का है। तो 10 तारीख को यहाँ हापुड़ में कमल खिलेगा? काम कर रहे हैं हम 60 महीने हो गए और 60 महीने में ये लोग 2 महीने से निकले हैं, हम 58 महीने। घर के पास और आपके क्षेत्र में बहुत सारे दुकानें नजर आ रही हैं, कोरोना के काल में अगर इन दुकानों की बात करें, रोजगार के साधन की बात करें, तो क्या इन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है? परेशानी नहीं, भूजो ये सब दुकानदार हैं, रोको जरा एक मिनट, आप बात करिए, सब दुकानदार। मैं चाहूंगी आप जरा रिक्शे में बैठे रहिए, मैं जनता से जरा पूछूं कि उन्हें किस प्रकार की कोई दिक्कतों का तो सामना नहीं मिला आपको? यहाँ पे दुकानें कोरोना के काल में बंद नजर आई या रोजगार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे विधायक जी हमेशा सड़क पे उतरते हुए नजर आते हैं कि एसी की गाड़ी में बंद कमरे में नजर आते हैं? सड़क पे रहते हैं और पब्लिक के बीच में रहते हैं और पैदल जाते हैं, 6 बजे गाड़ी में नहीं घूमते। अच्छा, जरा दुकानों वालों से भी बातचीत करूंगी क्योंकि लोगों का तो यही कहना है कि विधायक जी पैदल भी नजर आते हैं। विधायक जी, आपके क्षेत्र में कितना काम करा रहे हैं दुकान? बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं हमारे क्षेत्र में और रोजाना पैदल मार्च करते हैं और इनसे बढ़िया कोई नेता नहीं है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई काम, सड़क की बात करें, पानी की बात करें, कोई भी छोटी मड़ी, कोई बहुत बड़ी समस्या, ऐसा कोई सब कोई समस्या नहीं आई उनके रहते हुए अभी तो फिलहाल? बहुत क्या लगता है, इलेक्शन तो नजदीक है, डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है, किसको आप वोट करेंगे? भाजपा को देंगे जी, कमल के फूल को और विजयपाल आरती को। विजयपाल जी का मतलब यहाँ पे बोलबाला है, हैं? चेहरे में खुशी बता रही है कि विजयपाल जी बहुत काम करते ही जीतेंगे। कैसे कॉन्फिडेंट है? कॉमरे विजयपाल आरती जी ने इतना काम करवा दिया कि यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी होती थी, उघाई होती थी दुकानों पे से, अब वो उघाई खत्म हो गई, शराबबाजी सट्टेबाजी विधायक जी ने खत्म करवा दिया यहाँ पर, तो इसीलिए विजयपाल आरती ही विधायक बनेंगे। विधायक कभी ऐसे रिक्शे में नजर आए हैं कि एसी की गाड़ियों में ही हमेशा दिखे? नहीं जी, ये तो पैदल भी चलते हैं, रिक्शे में नहीं, हमारे बीच में रहने वाले हैं और हमारा काम में साथ रहे हैं हर तरीके से और इन्होंने बहुत ही। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विधायक जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि विधायक जी तो पैदल नजर आते हैं, पैदल मार्च करते हुए नजर आते हैं, पैदल घूमते हैं। मैंने आपसे बतलाया कि मैंने किसान और खेती दोनों काम करे हैं, व्यापारी हूँ मैं और रोज की चलने का शौक तो रोज की है। मैं आपको बात बताऊँ, कभी गाड़ी का इतना शौक नहीं है मुझे। तो एक आम इंसान की तरह आप यहाँ पे रहते हैं तो आम लोगों का प्यार भी आपको मिल रहा है, पर कंपटीशन बहुत तगड़ा है। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कंपटीशन को लेकर बीएसपी की तरफ से हापुड़ सीट के प्रत्याशी का नाम का ऐलान बहुत पहले ही कर दिया गया था। मैं आपको बात बतलाऊँ, ये सब जाटव लोग हैं और पहले बसपा को वोट जाती थी, आप देख रहे हो कि किसी ने कहा बसपा के लिए? लेकिन बसपा ने तो बहुत पहले प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। उससे वो तो करते ही हैं पहले, वो करते ही हैं पहले, वो तो हर बार करते हैं जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको किसके साथ टक्कर लग रहा है? हमें मैंने आपसे बतलाया, मैं टक्कर कहाँ से बतलाऊँ? 58 महीने लगातार काम करें, 60 महीने लगातार काम करें, उन्होंने 2 महीने काम करें, वो 2 महीने में भी नहीं दिखाई दे रहे अब भी, हम लगातार काम कर रहे हैं जनता के बीच में। पिछली बार वोटों की बात करें तो 38 और 31 का मार्जिन था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है वैसे? देखो, पिछली बार भी हम 15,900 वोटों से जीत के गए हैं और अब के हमें और भी अच्छी जीत मिलेगी, अच्छी वोटों से जीत के जाएंगे हम। योगी जी की किन किन परियोजनाओं को आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, क्या क्या आप यहाँ पे कर रहे हैं? आपको मैं जानकारी दूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ गरीबों को दसियों हजार मकान बनाने का काम, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, हर घर पर शौचालय,
बहुत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, महिलाओं को लेके क्या काम किया गया, महिलाएं इस क्षेत्र में सुरक्षित हैं? आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, समाजवादी की पीछा सरकार थी, आपको पता है बहन बेटी स्कूल जाने से रुक गई, और जब से योगी जी की सरकार आई है जब से बहन बेटी को कोई बहन नहीं है, कोई दहशत नहीं है, स्कूल जा रही हैं। पर अखिलेश यादव तो बार बार जीत का दावा कर रहे हैं, बीएसपी भी जीत का। पर बीएसपी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, इनका वादा ही वादा रह जाएगा आपको हम बतला रहे हैं। तो कृष्ण जी सपने में आके कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे, झूठे सपने, झूठे सपने उनके। वो तो कह रहे हैं कि नहीं बाबा से कुछ नहीं होगा, हम ही हैं, सब करेंगे जो करेंगे, कर रहे हैं वो। बाबा योगी जी ने इतने काम करे हैं, इतने विकास, आप खुद देखो, आप दिल्ली से आए, आपको दिल्ली जाने आने में 1 घंटा पूरा लगा जी, इस बात की तो मैं तारीफ करूंगी। पहले 3 घंटे लगते थे दिल्ली जाने के लिए, 3 घंटे लगते थे, और आपको आपका हापुड़ आने में 1 घंटा लगा है, तो आप खुद ही देख लो। हापुड़ से मुरादाबाद बाईपास बनना है, हापुड़ से बुलंदशहर बाईपास बन चुका, हापुड़ से मेरठ बन चुका, चारों तरफ विकास कार्य के काम चल रहे हैं जी। इतने विकास कार्य के काम कभी भी नहीं हुए जी। तो आपने अपने कार्यकाल में 5 साल का आपको वक्त मिला, 5 सालों में आपने क्या क्या किया रोड के अलावा? 5 साल में बहुत लंबे समय से यहाँ कॉलेज की मांग चल रही थी, मगर पीछे विधायक रहे, उन्होंने निजी प्राइवेट अपने कॉलेज तो खोलने का काम करा है, मगर जनता के बारे में कभी भी नहीं सोचा। जब से योगी जी की सरकार आई है, हापुड़ में विजयपाल आड़ती विधायक बनकर चुनकर आए हैं, नवोदय विद्यालय लाने का काम हमने करा, उसकी पहली किस्त आ चुकी है 24 करोड़ रुपए, और उस पर काम चालू हो गया है। आप जानते हैं इनको, ये कौन है? विधायक साहब हैं। क्या नाम है विधायक साहब का? नाम विजयपाल, मतलब बोलबाला है आपका, जानते हैं इनको आप? जानते हैं जी, इनका नंबर भी है, नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी आपके पास, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बड़ों का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है, कृष्ण जी का भी आशीर्वाद लेकिन उनको मिल रहा है, अखिलेश यादव को। तो यहाँ वैसे कोई समाजवादी पार्टी का नजर नहीं आ रहा है, लेकिन समाजवादी यहाँ है ही नहीं, समाजवादी का कुछ नहीं है यहाँ। हाँ जी भैया, जरा धीरे धीरे चलिए आगे बढ़िए, बहुत बड़ी बात है जी। आपने स्कूल की बात की कि आपने कॉलेज, कॉलेज की और बात बतलाऊं मैं, राजकीय आश्रम पद्धति का जसरूप नगर में जो 70 बीघे जमीन में बनने जा रहा है, उसकी भी पहली किस्त आ चुकी है, ये बहुत बड़े काम है हापुड़ के लिए। पहले हर विधायक जो बने प्राइवेट कॉलेज खोले, प्राइवेट अपने निजी काम करे, जब से हम आए हैं 2 कॉलेज देने का काम हापुड़ के लिए कराया हमने, नवोदय विद्यालय बहुत बड़ी बात है, जिस कॉलेज के, जिस विद्यालय के बच्चे IAS PCS बनकर निकलते हैं, ऐसा विद्यालय हम नवोदय विद्यालय लाए हैं। अस्पतालों को लेकर यहाँ पे क्या व्यवस्था है, कोई बदलाव आपने किया? पहले जिला अस्पताल नहीं था, जब से योगी जी की सरकार आई है 100 बेडों का जिला अस्पताल बना, सिटी स्कैन हम लाए, डिजिटल एक्सरे की मशीनें हम लाए, 10 बच्चे की नर्सरी बनाने का काम हमारी सरकार ने हमने कराए, अनेकों काम। मैं आपको जरा रोकना चाहूँगी, महिला हैं आप यहाँ पे, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं जी? कोई डर नहीं है? चलिए ठीक है, हाँ फिर आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। तो ये अनेकों काम, नमस्ते, ऑक्सीजन प्लांट दोनों उनमें हमने लगवाए हैं। तो थर्ड वेव के लिए आप पूरे तरह से प्रिपेयर हैं? तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ों की तैयारियां हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि आप जीत का दावा कर रहे हैं, अपने कामों को लेकर वोट मांग रहे हैं, आप फुल कॉन्फिडेंट है कि 10 तारीख को आपकी लगातार 5 साल लगातार काम करा है और लगातार जनता के बीच में रहे हैं। आप किसी से 1 मिनट उतर के पूछो कि विधायक जी घूमते नहीं घूमते, 1 सेकंड ठहरो, जरा पूछो 1 मिनट। बिल्कुल, मैं जरूर पूछूंगी क्योंकि मैं इसीलिए आपको रिक्शे पे लेके आई हूँ। आपका वैसे भी सब्जी वब्जी, मैं चाहूंगी आप भी उतरिए जरा, आप जरा आपका पूछना ठीक रहेगा सबसे। आप बताइए विधायक जी, आपको ऐसे कभी दिखते हैं या बस चुनावी माहौल है तो आ गए? नहीं, ये तो आते रहते हैं। आते हैं, हालचाल लेते हैं, सब्जी वब्जी यहीं से खरीदते हैं? नहीं, वैसे बिना सब्जी के भी आते हैं ये तो। अच्छा, बिना सब्जी के भी आते हैं, बिना सब्जी के भी आते हैं, हालचाल लेके जाते हैं। आते हैं विधायक जी या बस आज घूम रहे हैं सड़क? डेली आते हैं, डेली आते हैं। देखा है कभी इनको ऐसे या गाड़ी में ही देखा है? तो डेली देखते हैं ना, डेली देखते हैं, तो आम इंसान की तरह ही है आप यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हर किसी का यही कहना है कि आप डेली आते हैं। तो डेली आने का कोई पर्पस होता है या आप जिस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आपका जो शुरुआती दिनों से लगाव है, वो लगाव आपको खींच के लेके आता है या कोई और वजह? वो लगाव तो है ही है, अरे हापुड़ छोटा सा शहर है, यहाँ गाड़ी तो थोड़ा सा शहर के अंदर नहीं जा सकती, तो मुझे पैदल घूमने का भी शौक है, बहाने पैदल भी घूम लेते हैं। शहरों की रियलिटी भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर आप जीत के लिए पूरे आश्वस्त है कि 10 तारीख को
आपकी ही जीत होगी, कमल खिलेगा हापुड़ सीट पे। हापुड़ से कमल खिलेगा। मैंने आपसे बतलाया है कि पूरे आज 5 साल सरकार को हो गए, मगर 5 साल सरकार होने पर आपने देखा होगा कि हमने लगातार 5 साल लगातार काम करा, 60 महीने लगातार काम करा है। और कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का, चाहे समाजवादी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कहीं ढूंढे से भी नहीं दिखाई देते लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैपिटल टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख को कमल खिले। अब जनता की क्या राय है वो तो 10 को पता चल जाए। जनता की राय भी यही है और हमारी भी राय है, कमल खिलेगा और 325+ सीट हम जीत के आएंगे। और बहुत हमारी सरकार काम कर रही है, योगी जी बहुत काम कर रहे हैं, इसी में हम धन्यवाद देते हैं आपको भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हापुड़ से MLA विजयपाल जी, जिन्होंने कहा कि वो जीत का दावा कर रहे हैं और एक बार फिर से 10 तारीख को कमल खिलेगा। तो रिक्शे पर विधायक जी थे, विधायक जी के साथ हमने उनके क्षेत्र का दौरा किया और आपने जाना कि किस तरह से उन्होंने जमीन में काम किया है, किस तरह से वो आम इंसान की तरह रोज घर से निकलते हैं, जमीनी हकीकत को टटोलते हैं, आम लोगों से बात करते हैं और वो इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किया है तो जनता का प्यार उनको जरूर मिलेगा। तो अब 10 तारीख को पता चल जाएगा कि लोग उनको कितना प्यार दे रहे हैं, उनकी सरकार बन पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।